नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। साथियों, प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर रवि प्रकाश सर के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया है 13/6 के डेट में। उसका विषय है कि याचिका संख्या 4898/22 में दिनांक 5/4/22 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्याय आदेश के संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के पत्रांक 143 दिनांक 28/5/2022 के अनुसार विषय ये था। और कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विषय प्रासंगिक धीन पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश के क्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु निर्णय की अपेक्षा की गई है। इस क्रम में अवगत कराना है कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में 26/4/22 को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित किए जाने पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा। चूंकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से CTET कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया है। तो ये था लेटर जिसमें साफ साफ प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर रवि प्रकाश जी के द्वारा निकाला गया है कि अब जो है BTET का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा हर साल CTET का आयोजन कराया जा रहा है। जो साथी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि हमारा इस तरह का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।